नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा टीम सीएलसी और हमारे साथ हैं रणवीर सर। बात करते हैं हाइड्रोकार्बन टू की सर। जी सर, क्योंकि हम उन्होंने 40 क्वेश्चन किया था और पिछली बार थोड़ा जल्दी हो गया तो कुछ बच्चे कह रहे थे, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा आज एक्सप्लेन थोड़ा गहराई तक जाके करेंगे। क्यों सर? जी जी हाँ, क्योंकि बच्चे ही हम लोगों के लिए सब कुछ हैं। तो बात करते हैं अपने पहला रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX। HX के प्रति क्रियाशीलता का क्रम जी। तो सीधे बेटा क्या करेंगे रणवीर सर, पहले क्या करेंगे? कार्बोकैटायन बनाएंगे। बनाएंगे, बिल्कुल बना दिया। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। बना दिया जी। अब कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी, प्लस एम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और माइनस एम कम करता है। यहां तो कुछ नहीं है, यहां क्या है? माइनस एम। यहां प्लस एम है, यहां प्लस एच है। सबसे अच्छा प्लस एम बढ़ाएगा। क्यों सर जी? तो पहले बी की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में डी की सर, डी उसके बाद में ए, उसके बाद में सी पे माइनस एम है, इसका मतलब रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो प्लस एम, पहले हम डबल बॉन्ड को ब्रेक प्लस, हाँ प्लस बना लिया, प्लस बना लिया, प्लस बना लिया, प्लस बना लिया जी। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का। ठीक है डियर, तो अपना आंसर कौन सा हो गया सर? बी डी ए सी, यानी कि थर्ड जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। बहुत अच्छा क्वेश्चन जी। यहाँ भी अपने सर क्या करेंगे? वही कार्बोकैटायन बनाएंगे। कार्बोकैटायन बनाएंगे, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना। सर रिंग खुलने के बारे में कुछ बताइए बच्चों को। रिंग है, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग में एक्सपेंशन हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। और वो कंडीशन है सर, यानी कि 3 वाली 4 में नहीं जाएगी, क्योंकि वो सीपीएम बनेगी, और 4 वाली 5 में चली जाएगी, 5 वाली 6 में चली जाएगी, 6 वाली 7 में नहीं जाएगी। मतलब सर के केस में चले 3 वाली रिंग के, मतलब डांसिंग रेजोनेंस जी, तो वो अधिक स्टेबल होगा जी। मतलब ये अगर जो केस है तो यहाँ रीअरेंजमेंट आप नहीं करोगे, ये सब कह रहे हैं जी। 4 वाली में हो जाएगा, 5 वाली में हो जाएगा, 6 वाली में हो जाएगा। तो यहाँ 4 वाली रिंग किसमें खुलेगी सर? 5 में कन्वर्ट हो जाएगी सर। ठीक जी, और यहाँ प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब फिर एक बार फिर हाइड्रोजन शिफ्टिंग करवा दो सर। बिल्कुल, तो क्या आ जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिला। अब यहाँ पे Br दे दो, Br माइनस अटैच कर दिया, तो अपना आंसर सर सेकंड हो गया। ठीक है बेटा, देख लो आराम से। इसमें हम लोगों ने बात ये बता दी कि 3 की रिंग है, प्लस चार्ज है। यही भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन रीअरेंजमेंट करेगा कौन नहीं, तो ये रीअरेंजमेंट नहीं करता जी। यानी कि अगर अपने ऐसा बनाते सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो यही बनता सर। हाँ, तो HBr की रिएक्शन करवा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन जी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। हाँ जी, रिंग किसमें चली जाती है? इसमें तो रिंग एक्सपेंशन हुआ जी, और इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ये 3 मेंबर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि सीपीएम मिल गई। बिल्कुल, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हो गया डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, आज हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों को पूरी चीजें बताई जाए जी। ठीक है, नेक्स्ट चला, नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल, HOCl के साथ ये, इसमें HOCl एक दौर था 2003-4-5 जिसमें IIT लगातार ही इस पे क्वेश्चन पूछती थी, और वो अपने उस साल अपने ने एग्जाम भी दिया था, तो हमारे सर ने हमको HOCl 1.5 घंटे पढ़ाया, लेकिन जब हम एग्जाम देने गए तो उस समय आ गया NOCl। तो HOCl का पहले डिसोसिएशन जी, तो HO-Cl+ जी। क्यों सर? वो टिल्डन रीजेंट होता है सर, NOCl जो आप कह रहे हो। हाँ जी, इसमें पॉजिटिव आता है और इसमें नेगेटिव आता है, उल्टा उड़ता है वो। हाँ जी, तो HOCl, अब ये क्या है? 2 मोल दे रखा है आपने, तो कोई दिक्कत है नहीं, मार्कोनी का आप लगा देंगे अपने सीधे, यानी कि अपने बेंजीन दे रखा है OH जी, OH एक ही कार्बन पर दोनों OH आएंगे, एक ही कार्बन पर दोनों Cl आएंगे, एक कार्बन पे 2H बर्दाश्त नहीं कर सकता जी, तो H2O वाटर रिलीज हो जाएगा सर, COCHCl2 जी, मार्कोनी का जी। ठीक है, अगर इस पे पूरी मैकेनिज्म प्रॉपर करें तो HO-Cl+, यहाँ क्या हो जाएगा? Cl+ जी। अब OH- नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, यानी कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनने का एक फायदा, दो फायदे होते हैं, एक रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और दूसरा जो अगला जो अटैक करने वाला होगा न्यूक्लियोफाइल, वो एंटी से होगा जी। ठीक, एंटी एडिशन होता है इसमें। ठीक है बेटा जी, सर नेक्स्ट चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन जी। खुसरोव रिएक्शन जी, यही वो रिएक्शन है जनरली एल्कीन एल्काइन जो अपने एनसीएटीम में रखा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, लेकिन ये वाली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जी। खैर, इसमें थोड़ी सी कहानी है, अगर सिंपल ये होता सर जी, क्यों?
लेकिन यहाँ लग गया CO, तो ये माइनस वाला हो गया सर। अब एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग काम होगा, मतलब यहाँ पे यहाँ जाना, अगर ये नहीं होता तो जाता है यहाँ, यहाँ लेकिन ये आने की वजह से जाएगा यहाँ, यहाँ ऑटोमराइज होगा और यहाँ आंसर ये क्या होगा CO। कहने का मतलब सर ये नहीं बनेगा, हाँ ये नहीं बनेगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ CH2 और CO ये मिलेगा, एल्डिहाइड मतलब ये अपना गलत हो गया जो दे रखा है प्रोडक्ट। दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये तो एंटी मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक डबल बॉन्ड के क्रॉस OH वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन के नंबर अधिक होंगे, और BH3 से क्या जाएगा सर H जाएगा, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन, ये भी गलत हो गया जी, ये भी गलत हो गया, यानी मतलब कि यहां नहीं, यहां बिल्कुल सही, ठीक है जी। ये HCl परोक्साइड, HCl HI परोक्साइड इफेक्ट नहीं देते, ओनली HBr शो करता है, HBr शो करता है। तो सर इसका तो सिंपल मार्कोनिक ऑक्सीजन होगा, तो इसमें आंसर नहीं दिख रहा सर जी, फोर्थ आंसर आ जाएगा सर, तो आंसर हो गया आपका फोर, वन ऑफ दीज जी, ठीक है। यानी कि सर HBr ही परोक्साइड इफेक्ट शो करता है क्योंकि उसके दोनों प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं। HCl HI इसमें एक एक्सोथर्मिक होगा और एक एंडोथर्मिक होगा, या आपने HI अगर आई बना अगर जो उससे स्ट्रॉन्ग है तो वो आई फ्री रेडिकल आई टू में चेंज हो जाता है, तो HI भी नहीं देता, नहीं देता। विच इज करेक्ट जी इस टेस्ट में, इन एडिशन रिएक्शन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड पाई बॉन्ड फॉर्म, ये बात सही है, नहीं है सर, एडिशन तो यही है सर, सी डबल बॉन्ड सी H2 मान लो PD करते हैं अभी, तो CH3 CH3 मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है जी, हाँ तो इसमें तो ये गलत बोल रहा है सर, हाँ तो ये गलत हो गया भाई। अगला क्या कर रहा है, इन नाइट्रोजन HNO3 एक्ट एज ए बेस, सही बात है जी सर भाई, नाइट्रोजन यहां बताना चाहूंगा सर इसके बारे में, यानी कि इसमें अपन नाइट्रेशन करवाते हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, जो कंसंट्रेट H2SO4 ब्रेक होता है तो वो तो एसिड की तरह बिहेव करता है, HSO4 नेगेटिव, और जो अपने HNO3 है सर वो बेस की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये कैसा है डबल बॉन्ड O, ये जी में सवाल भी आया था सर एक बार, यानी कि ये एच पॉजिटिव है, ये एच पॉजिटिव अब इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि ये लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, H और H, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज मोर, ये एटम अपने आप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, तो ये अपने को NO2 पॉजिटिव मिल गया, बिल्कुल ये इलेक्ट्रोफाइल मिले हैं सर, तो इसका मतलब ये बेस की तरह बिहेव करता है और ये कंसंट्रेट H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करता है भाई, एसिड एसिड आपस में रिएक्शन कर नहीं सकते, बेस बेस नहीं, तो एक एसिड होगा एक बेस होगा, तो यहीं आप लोग लिख लेना HNO3 act as a base and H2SO4 act as an acid जी। अगली बात क्या है, इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन H2SO4, ये भी गलत है, ये तो गलत है, बात अभी हम लोगों ने करी है जी, H2SO4 तो एसिड होता है, इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड NO2 पॉजिटिव, ये रहा सर, ये भी गलत है, आंसर अपना क्या है, आंसर क्या सर, एक इसमें सर एक बार नाइट्रेशन में क्वेश्चन पूछा है कि अगर इसमें KHSO अपने अभी लिख रहे थे HNO3 आप ही लिखा था जी, H2SO4 जी, और यहाँ पे लिखा NO2 प्लस NO2 पॉजिटिव और HSO4 माइनस जी, ठीक है जी, और H3O प्लस जी, हमने डायरेक्ट लिख दिया जी, जी, यही आपने सबने भी मैकेनिज्म में लिखी जी, कहा इसमें कि KHSO4 मिलाते हैं तो रिएक्शन क्या आ जाएगी, रेट उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई, KHSO4 क्या है, K प्लस HSO4 माइनस, ये इसमें हमने डाला तो ये इधर से कम, हाँ उल्टा हो जाएगा फिर, हाँ तो रिएक्शन की रेट कम होगी क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी सर, बिल्कुल, तो इसका आंसर बेटा अपने तो आंसर हो गया सेकंड, ये एक नई जानकारी आपके लिए, ये ध्यान रखना बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल सही सवाल है सर, रिंग जिस रिंग पे प्लस वाले करेगा मतलब ये लोन पेयर है जी जी, प्लस वाले होंगे तो वो तो एक्टिवेट किया, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे, बिल्कुल, तो ये एक्टिवेट कर रहा है तो इसी का ऑर्थो पैरा पे जाएगा, और पैरा अपने मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो क्या होगा, पैरा वाला होगा, अगर रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा, पैरा मेजर, और डी एक्टिवेटिंग है तो मेटा, मेटा, तो ये एक्टिवेट कर गया तो यही क्या लग जाएगा, NO2 कौन सा होगा सर आंसर, ये इसका आंसर हो गया सर, इसमें ये भी तो हो गया ना सर कि कैसे डिसाइड किया आपने कि ऑर्थो और पैरा वाला मेजर हुआ, तो सर ये प्लस एम है और प्लस एम के साथ साथ ये माइनस आई भी है, और माइनस आई वाला आपको पता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कम करेगा वो, और ऑर्थो पे ज्यादा कम करेगा, इसलिए मतलब बनने को यही बनेगा, लेकिन ये माइनर बनेगा जी, और वो मेजर बनेगा, तो मेजर पूछा है आपने, मेजर सेकंड आंसर, नेक्स्ट सही है,
जी बढ़िया सवाल सर, वो सर इसकी मैकेनिज्म लिखिए पहले। मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो वही सर, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएंगे अपन CH, यहाँ पे CH3 दे रखा है, CH और CH3 इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 डिग्री है, 3 डिग्री में आएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने पास ये मिलेगा सर, ये इधर जाएगा प्लस चार, वही हमने सीए लगा दिया, मतलब ये सही हो गया अपना। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये उल्टा हो गया सर, यानी कि ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिलेगा, फिर क्या आएगा, एथाइल माइग्रेट करेगा, यानी कि जिसके पास अल्फा एच कम होंगे वो माइग्रेट मतलब इधर बी अरेंजमेंट नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ बी आर आना चाहिए था सर, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया अपना। फिर अपन क्या कर देंगे, एच माइग्रेट करवा देंगे तो ये बन जाएगा सर, ये वो है सर, मतलब आंसर अपना हो गया, ए और सी सही है अपना, ए और सी सेकंड आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। तो एल्कीन की रिएक्टिविटी की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, बिल्कुल सही, HBr हां इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग फ्री रेडिकल इससे बनता है, तो इसमें सीधे एंटी मार्कोनिक ऑफ डबल बॉन्ड के क्रॉस Br वहां लगा दो जहां हाइड्रोजन का नंबर कम, इसमें अटैकिंग स्पीसीज Br फ्री रेडिकल होती है जी, जी, तो Br फ्री रेडिकल लगाने के बाद आपको स्टेबिलिटी मिलती है। कई बार ऐसा आ जाता है जिसमें डबल बॉन्ड सेम है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है सर, क्यों ऐसा ले लिया हमने, अब यहाँ पे हम Br तो लगाएंगे जी, पहले Br का एडिशन होगा, एडिशन करेंगे, क्योंकि कभी मान लीजिए अच्छा क्वेश्चन पूछ लिए तो मानो सी डायरेक्ट है, तो यहाँ पे पहले हमने Br लगाया, एक बार Br यहाँ लगाया और फ्री रेडिकल यहाँ बनाया, फिर एक बार Br यहाँ लगाया फ्री रेडिकल यहाँ बनाया, फिर इसमें स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी देखेंगे, मतलब अपना बेंजीन के बगल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल लगा देंगे, मतलब ये सही आंसर हो गया, अगर डबल बॉन्ड सेम है तो जी। इसका मतलब आंसर उसका कौन सा था सर, इसका आंसर आपका सेकंड आंसर सेकंड हो गया जी। नेक्स्ट चले जी, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन सर, ये शायद मार्कोनिक ऑफ होता है सर जी, मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आ जाएगा, OH और ये H, इसका डबल बॉन्ड के क्रॉस OH वहां ले जाओ जहां हाइड्रोजन कम कम, मतलब H2O से क्या जाएगा OH और NaBH4 से क्या जाएगा H, अगर हम यहां NaBD4 देते तो यहां से क्या आ जाता जी, तो ये अपना सही है जी। फिर वही चीज, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, नहीं होगा सर, इसमें रीअरेंजमेंट करवा दिया इसने, इसका मतलब ये गलत हो गया, गलत हो गया, सीधे मार्कोनिक ऑफ लगाओ आप OH यहां जी और H यहां जी, इसमें मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग सही दे रखा है, बिल्कुल सही, सीधे OH है हां, H और C अपना मतलब ये है सी जी, ठीक है जी, मतलब अल्कोहल बनाने का अपने हाइड्रोबोरेशन हो गया जी, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नहीं होता, हाइड्रेशन डाइल्यूट H2SO4 रीअरेंजमेंट होता है, और इसमें एक ऑक्सीमर्कुरेशन में भी नहीं होता, इसमें एंटी एडिशन होता है सर, और इसमें सिन एडिशन होता है, वो जो अपने हाइड्रोबोरेशन HBO हाइड्रोबोरेशन जी जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीधे डायरेक्टली प्लस वाले एक्टिवेटिंग ग्रुप जी, प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, ये तो गलत हो गया जी, ये एक्टिवेटिंग जी, ये NH2 ये प्लस M का ऑर्डर सर लिख देते बच्चों के, प्लस M की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होता है वाला O नेगेटिव का, उसके बाद में बात करें तो NH2 का, उसके बाद में NHR का, उसके बाद में NR2 का, उसके बाद में OH का, उसके बाद में OR का, उसके बाद में NHCOR का, उसके बाद में OCOR का, बस अपना काम हो गया, उसके बाद में फिर चल पा रहा है हाँ जी, अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप सर ने लिख दिया सीधे, तो O माइनस तो इसमें है नहीं, तो NH2 आ गया पहले, तो पहले ये हो गया जी, फिर OH OH फिर बेंजीन, ये क्या है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जी, ये माइनस वाले है सर, माइनस वाले डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो कम करेगा रिएक्टिविटी को, मतलब आंसर हो गया अपना थर्ड। नेक्स्ट चले जी, निम्न एल्कीन की Br2 के साथ सही कथन है, बिल्कुल सही बात, इसकी थोड़ी सी एक बार मैकेनिज्म लिख देते हैं, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी एंटी एडिशन होता है सर हाँ, एक बात याद ध्यान रखना, Br प्लस ऐसा मत समझना कि इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस है, जाएगा ये Br जी, इस टाइप से Br जी, तो CH2 नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन गया, यानी कि साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया सर, अब Br माइनस, Br एंटी से अटैक करेगा इसके ऊपर, अब इसी बात कर लेते हैं जी, इन गिव्स एंटी एंटी एडिशन, बिल्कुल सही एडिशन होता है सर, सही है, इंटरमीडिएट साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जी, बिल्कुल सही, साइक्लिक नॉन क्लासिकल रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं, जब नॉन क्लासिकल हुआ तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा और एडिशन एंटी होगा जी, तो ये गलत है, ए और बी सही हो गया सर, ए और बी आपकी फोर्थ आंसर। नेक्स्ट चलें जी, बेयर रीजेंट सिन एडिशन करता है सर, OH जोड़ता है, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि व्हाट इज बेयर रीजेंट, तो 1% एल्काइन के NO4 इज नोन एज बेयर रीजेंट, पिंक कलर का होता है सर, बिल्कुल,
अब ये क्या देता है सिसडायोल जी, और इसकी जल्दी से मैकेनिज्म लिखे तो क्या हो जाएगा सर, यानी कि दोनों कोई एल्कीन का लीजिए, कोई भी यानी कि कोई भी एल्कीन की ले लेते हैं सर, जैसे मान लीजिए इसका ले लीजिए आप जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और KMnO4 के साथ K प्लस MnO4 नेगेटिव माइनस जी, मतलब बात करें इसकी जी MnN डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस पे नेगेटिव सीधे अटैच किया जी जी, तो CH2 O इधर O MnN और ऑक्सीजन नेगेटिव ठीक है सर, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो OH OH आ जाएगा, OH OH सिस डायोड मतलब ये गलत है अपना इसका जी, गलत है ये इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, बेयर एजेंट इज एसिडिक सॉल्यूशन, गलत बात जी, बेसिक सॉल्यूशन होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन, OSO4 नहीं KMnO4 होता ना जी, 1% एल्काइन KMnO4, तो ये गलत बात हो गई, तो आंसर अपना ये अपना आंसर नन हो गया सर, फोर्थ आंसर फोर्थ हो गया जी, ठीक है, मतलब इसमें एक मोटा मोटी बात ये है कि बेयर एजेंट क्या होगा 1% एल्काइन KMnO4, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, अगर OSO4 NHSO3 होता या OSO4 H3O+ तो भी सिस डायोड होता, फिर भाई यहां पे हम क्या कर देते OS लगा देते, ये बात हो जाती जी, और यहां से OS आ जाता फिर सिस डायोड जी जी, ठीक है जी, नेक्स्ट चलें, बहुत बढ़िया, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड जी सर, कोई भी अगर एल्कीन है ऑक्सीलेशन हो जाएगा उसका, और RS CO3H के साथ रिएक्शन हो रही है जी जी, तो क्या बनता है ऑक्सीलेशन, यानी कि इपॉक्सिलेशन हो जाएगा, इपॉक्साइड बन जाएगा, यहाँ हाफ O2 Ag भी होता तो भी यही होता, वही सेम काम होता जी, और इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम देते हैं प्लिसचेव रिएक्शन, क्यों सर जी जी, तो यहाँ पे सीधे पर मेटाक्लोर, इसको MCPBA कहते हैं जी, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो डबल बॉन्ड के क्रॉस सीधे क्या लगा देंगे ऑक्सीजन, अपना आंसर हो जाएगा सेकंड, नेक्स्ट चलें, मेजर प्रोडक्ट की बात, वही कहानी एक्टिवेटिंग ग्रुप वाली बात करेंगे, प्लस वाले इंक्रीज करेंगे माइनस वाले डिक्रीज करेंगे, ये एक्टिवेट किया जी इसी के पैरा पैरा पे, इसका मतलब ये बात सही है, इसके बारे में सर, इसके बारे में ये प्लस वाला है सर और ये माइनस वाला है, तो प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब ये बात सही दे रखी है, बी भी सही हो गया, इसके बाद में बात करेंगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया, मेटा डायरेक्टिंग हो गया क्योंकि माइनस वाला है सर, तो इसका मतलब ये तो गलत दे रखा है, यहां पे हो पेरा पे लगा रखा है, आंसर अपना हो गया ए और बी आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, नेक्स्ट शानदार बेहतरीन क्वेश्चन जी, व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट जी, पहले इलेक्ट्रोफाइल एक मोटा मोटी बात करें हम जी, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरली जिसमें प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज जगह नहीं ऑक्टेट ऑक्टेट अनकंप्लीट, हां जैसे Na+ है ये होता है सर, नहीं होता सर, H3O+ नहीं होता सर, NH4+ नहीं होता सर, तो ये क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, पहले से ही है जी, तो यहां पे लिख दिया NO2+ अभी बनाया था सर पीछे सवाल में, तो इसका मतलब वो तो इलेक्ट्रोफाइल ये तो है, ये नहीं है सर, क्योंकि CH3OH लोन पे रहे तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया जी, ये नहीं हो सकता, ये काम हो गया इधर जी, अगली बात हाँ इसके बारे में सर, ये है सर, यानी कि यहाँ CH3C ट्रिपल बोन N है सर, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ये भी कर सकता है और कोई इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, बस मतलब सर यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, मतलब सर आपके कहने का मतलब और कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब RCOS ये भी है जी, ये भी है RCOCl ये भी है जी, तो अपने वो इसका मतलब ये अपना है सही जी, नेक्स्ट CH3NH2 Fe+2 CD+2 इलेक्ट्रोफाइल, ये तो लोन पे आ गया हां जी, ये नहीं हो सकता सर, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बाकी तो ठीक था सर Fe+2, अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी एनायन एनायन यानी कि न्यूट्रल से अधिक होता है जी, ये गलत दे दिया, ये गलत दे दिया सर, तो आंसर अपना कौन सा हो गया सेकंड आंसर, सेकंड बेटा बातों को सुनो, वीडियो पॉज करके आराम से देखो क्योंकि हम लोग इसमें कई बातें अपने और बता दे जी, और जनरली सर रेजोनेंस होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती कम हो जाती है, जैसे आर ओ माइनस है जी और आर सी ओ माइनस है, इसमें कंजुगेशन है सर, हाँ इसमें कंजुगेशन है तो किसी को डोनेट करने की नेचर कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ठीक है, और वही वाली बात हो गई सर, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अभी आपने बात ही कर दी, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया यानी कि फोकट का धन हो गया, और फोकट का धन डोनेट करना इजी हो जाता है, सही बात है यार, मतलब ये है कि अगर जो
न्यूट्रल वाले को लास्ट में अपने करते हैं, यानी कि एक वाटर ले लो सर सिंपल हाँ। सा और एक OH नेगेटिव दे रखा है तो कौन इजी लोन पे डोनेट कर सकता है, OH कर सकता है, मतलब हम ये कहें कि RO- जी OH- जी और यहां बेंजीन O- बेंजीन दे दी और ये H2O जी, क्योंकि यहां जनरली 3 डिग्री के लिए बात नहीं कर रहे हां सर, जनरली प्लस आई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा इंक्रीज करिए। हेलो एक बात और है जी, ये 3 डिग्री या स्टेरिक हिंडेंस अधिक त्रिविम बाधा अधिक स्टेरिक हिंडेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करता है, ये इससे क्या हो गया कम न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो आप इथाइल मिथाइल तक तो बात करें हाँ। आगे नहीं कर सकते ऐसा, तो एक जनरलाइज बात अपने हो गई जी। तो न्यूक्लियोफाइल्स के लिए सर जनरली प्लस आई न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाते हैं, अगर हाँ रेजोनेंस हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी नहीं, हाँ दोनों में रेजोनेंस हो जाए जी दोनों में, और यहां हम लगा दें प्लस वाले इंक्रीज करेंगे माइनस वाले डिक्रीज करेंगे, ये भी बात अपन कर ली जी। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम लोग थ्योरी भी आप तक पेश कर रहे हैं जी, क्योंकि इससे आपका अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जी। नेक्स्ट बात बेहतरीन, फिर वही इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो आपने ऑर्डर एक लिखा था जी जी, वही वाली ओ माइनस अब ये गलत हो गया, एनएच2 इधर हो सर इधर होना चाहिए था, ये सही है सर ओ नेगेटिव फिर बेंजीन और NO2 ये माइनस एम हो गया ये प्लस एम है, नाइट्रेशन नाइट्रेशन में इक्वल होता है सर, सल्फोनेशन में गड़बड़ हो जाएगा, सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में गड़बड़ हो जाता है, सल्फोनेशन में इधर होगा लेकिन नाइट्रेशन है इसमें HDT निकालने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है सर कार्बोकैटायन मिलता है बिल्कुल, यहां ये प्लस वाले हैं सर अल्फा एच जिसके पास ज्यादा होंगे इसका मतलब उसका हाइपरकंजुगेशन ज्यादा हो गया, यहां प्लस एम हो गया ये प्लस एच है ये प्लस एच है ये भी सही है, मतलब आंसर सर अपना बी सी डी ये अपना आंसर हो गया सर। नेक्स्ट जी बेहतरीन क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट जी, लेकिन नहीं यहां मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, चलिए ये गलत दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों की बात कर लेते हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें जी तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन और ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट अभी हम बॉइलिंग पॉइंट लेके चले तो एन पेंटेन की सबसे आइसोपेंटेन फिर नियो पेंटेन ये तो होगी बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जैसे जैसे ब्रांच निकलती जाएगी वैसे वैसे बीपी कम होता जाएगा बिल्कुल, यानी कि उसका सरफेस एरिया घटता जाएगा। हाँ जी, अब जो खतरनाक बात है इसमें वो है मेल्टिंग पॉइंट जी, मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट वगैरह सब लोग कहते हैं कि इवन ऑड से अधिक होगा लेकिन सिमेट्री सबसे यहाँ गड़बड़ है सर, एन पेंटेन में वैसे भी गड़बड़ बनी जाती है, तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें जी तो नियो पेंटेन सबसे अधिक जी। अब बात सुनिए बेटा, नियो पेंटेन इतना अधिक मेल्टिंग पॉइंट है कि 10 कार्बन डेकेन होना उससे भी अधिक हो जाता है जी, क्योंकि इसमें सिमेट्री ज्यादा। अब एन पेंटेन आइसोपेंटेन ये जनरली हम क्योंकि एनसीईआरटी जैसे आप खोलोगे तो हाइड्रोकार्बन का एक पूरा पेज है उसमें आपको डाटा वाइज बात करी गई, तो जनरली वन ब्रांच मेल्टिंग पॉइंट को कम करेगी तो नियो पेंटेन के बाद एन पेंटेन और उसके बाद में आइसोपेंटेन उसके बाद से आइसोपेंटेन जी। बहुत शानदार बात होगी सर जी जी, मतलब नियो पेंटेन हो और हम कहें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन तो नियो पेंटेन को पहले टिका देंगे फिर ब्यूटेन फिर आइसोब्यूटेन। बेहतरीन क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस सर, इसका हम चाह रहे हैं बच्चों को डायरेक्ट ही बता दीजिए, ओजोनोलाइसिस की बात करें तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देंगे, मतलब ओजोनोलाइसिस टू टाइप का होता है, एक तो रिडक्टिव और एक ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव में तो जिंक दिया होता है और ऑक्सीडेटिव में जिंक नहीं होता, और रिडक्टिव में एक और भी होता है O3CH3 होल ट्वाइस जी, ये भी हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है। तो सर ने डबल बॉन्ड काटा ओ लगा दिया तो मतलब CH3CHO CHO और C2H5CHO, कौन सा आंसर होगा अपना, ये हो गया सर थर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट चले वही वाली बात होगी सर, अभी मैंने कहा कि जिंक नहीं हो, हाँ लेकिन एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कीटोन रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस सेम वैसे करेंगे जिससे रिडक्टिव है जी जी, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे ओ लगाएंगे लेकिन एल्डिहाइड बना तो उसको एसिड में चेंज कर देंगे और कीटोन है तो कोई हाथ भी नहीं लगाएंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे बिल्कुल सही सर। तो ये ओ किया ये तो बन गया कीटोन, तो इसको टच हम नहीं करेंगे लेकिन ये CH3CHO तो इसको किस में चेंज कर देंगे, एसिड में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसका मतलब अपना आंसर ये हो गया, सीधी बात हो गई जी। नेक्स्ट बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सवाल है सर, ये हम सीधे लिख दे रहे हैं वही Br+ जी। अब जो अपने पास न्यूक्लियोफाइल है कौन कौन सा है सर, एक तो सर Cl नेगेटिव है हाँ। और OH एक अपने Br- है, Br- नेगेटिव और एक OH- OH नेगेटिव भी है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन दे दिया ना आपने को,
अगर इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछ लेता तो जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है उसका मतलब OH- वाला हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है संभावित प्रोडक्ट कह रहा है, संभावित तो एक बार ये जाएगा, एक बार ये जाएगा, एक बार ये जाएगा, तो एक आंसर OH भी आएगा, Cl भी आएगा, दोनों Br भी आएंगे, तो और क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर अपना क्या हो गया जी, सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, सारे प्रोडक्ट, और एक सिंगल मेजर कहता तो OH- जी। शानदार, Br टू CCl4 का सर एडिशन जो होता है वो एंटी एडिशन होता है। अब एक लाइन बता देते हैं, सिस एल्कीन सिस एडिशन, सेम है, तो इसका मतलब मीजो बन जाएगा, और डिफरेंट है, डिफरेंट दोनों ही है, तो इसका मतलब मीजो बनेगा, मतलब यहाँ सिस होता और ये होता तब बन जाता रेसमिक जी, क्यों सर जी जी, और यहाँ ट्रांस है, ट्रांस एल्कीन ट्रांस एडिशन, इसका मतलब मीजो, मीजो सीधी बात, और प्रोडक्ट एक बनता जी जी, और रेसमिक होता तो दो बन जाते हैं, ठीक, वही वाली OSO4। अभी हमने बताया था सिस डायोड जी जी, तो यहाँ मतलब ये गलत हो गया अपना जी, उसके बारे में बताया, बेयर एजेंट जी, क्या बनता सिस डायोड, सिस बनता है, इसका मतलब ये भी एंटी बना रखा है, गलत बना रखा है, ये सही बना दिया जी। अब ये दे रखा है सर पिछले सवाल में अपने बात की थी, हाँ, हाँ, यानी कि क्या बनाता है ये एंटी बनाएगा, ऑक्साइड एंटी बनाएगा, इसका हाँ, ये आंसर बनेगा, ये ऑक्साइड हाँ, बनेगा, ये ऑक्साइड बना, अब H+ OH- ये एंटी से होगा, ये गलत हो गया जी, तो अपना आंसर कौन सा सही हुआ, थर्ड आंसर। नेक्स्ट चलें, हाइड्रोबोरेशन, शानदार, डबल ट्रिपल डबल बॉन्ड के क्रॉस OH वहां ले जाएगा, हाइड्रोजन संख्या अधिक, यानी कि एंटी मार्कर OH और ये टॉटोमराइज कर दिया, तो यहां क्या हो गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, CH2COH, कौन सा वजन, बोला नहीं है सर, बेंजीन नहीं है, मतलब हाँ यहाँ बेंजीन नहीं नहीं है, तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन है सर, समझ जाएंगे बच्चे, हाँ ये अपना आंसर हो गया सर, यानी कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के कुल मिलाकर एट वाटर का एडिशन हुआ। चले आगे जी, ट्रिपलेट कार्बीन इज SP जी, हाँ। ट्रिपलेट कार्बीन है, कार्बीन यानी कि टू टाइप की होती है सर, एक तो सिंगलेट और एक ट्रिपलेट जी, तो m इक्वल टू 2s प्लस 1 से बात कर लेते हैं, अगर जो ये है जी इसका मतलब है 2 प्लस 1/2 जी माइनस 1/2 जी प्लस 1 जी, तो ये हो गया 2 * 0 प्लस 1, ये तो हो गया सिंगलेट, सिंगलेट हो गई, और यही बात ऐसे हो जाती तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आते हैं, जनरली अगर अपन बात करें प्लस 1 जनरली अगर अपन बात करें तो सर ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, हां यानी कि इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का तरीका सही यही होता है, हां यानी कि अपने क्या कर दिया सर, अपने इसके पास तीन ऑर्बिटल थे, यानी कि s वाले p वाले तीन थे और एक s वाला था, तो ऐसे होता है जनरली अगर अपन बात करें तो कार्बन के पास यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट रूल वाली बात जी जी जी, जैसे जो आप बात करते थे कि पहला जो पहला बेटा है उसकी पहले शादी, पहले तो इसका मतलब यहाँ पे ये अपने कार्बिन दे दिया, कार्बिन का मतलब क्या हो गया, अब दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अगर इनमें यानी कि यहाँ पे कुछ भी आ जाए ए बी ठीक है, कार्बिन बनाने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये स्टेबल है, और अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या कर दें एक में फिल कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे सिंगलेट, सिंगलेट, और अगर अपने हाइब्रिड लिखेंगे तो दोनों अलग, बिल्कुल सही, इसका तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2 जी, मतलब ये कौन सा था सिंगलेट, सिंगलेट का sp2 होगा और ट्रिपलेट का sp होगा, sp जी, ये भी सही है, ये भी सही, इसी टाइप से ट्रिपलेट 19 वाली बात होती है सर, तो abcd आंसर, abcd आंसर आ जाएगा, ठीक है जी जी, चलिए बेटा बात, तो सेम 19 भी वैसे चलेगा सीधे HBr, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं कराया, गलत काम कर दिया ये, तो गलत कर दिया सर इसने, ये है प्लस और ये माइनस, माइनस ये प्लस इसमें जाएगा, तो यहाँ यहाँ पे Br आना चाहिए था, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी, CHBr Cl2 प्लस KOH कार्बिन बनेगी सर यहाँ पे, तो यहाँ कार्बिन बनेगी ClCl नहीं IBr, हाँ ClCl आ जाएगा, पहले तो सॉल्ट बना लिया जी, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अब सी ये और ये इसी पे लगाएंगे अपने जी, इसी पे लगा देंगे क्योंकि आगे क्या इसी पे अपने डबल बॉन्ड के क्रॉस सीएल और सीएल लगा लिया, क्यों जी, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इधर, ये दिया इधर, और ये हो गया बाहर जी, मतलब ये यानी कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रिंग बन गई सर, और यहाँ क्या आ गया Cl, तो सही लिखा रहे जी, सही है, इसका मतलब ये सर राइमल्टीमान रिएक्शन का एग्जांपल हो गया ये, रिंग एक्सपेंशन का, बिल्कुल बिल्कुल, और ये NH वाला है सेम वही प्रोसीजर चलेंगे, लेकिन यहाँ OH पता नहीं कहाँ से आ गया, इसलिए गलत है जी, यहाँ पे भी Cl आना चाहिए था, और N आना चाहिए था,
ठीक है, तो आंसर अपना क्या भी आना चाहिए था और सीएल भी आना चाहिए था। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ये बनता सर, यहाँ पे नाइट्रोजन दे देंगे और यहाँ पे सीएल लगा, सीएल लगा देंगे। नेक्स्ट चलें जी, सिंपल सा क्वेश्चन, सीधे मार्कोनी का आप लगाएं जी, मार्कोनी का के अकॉर्डिंग संचयी द्विबंध है, सीधे CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 टॉटोमराइज जी, ऐसी टॉटोमराइज CO CH3 जी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलें, रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलोजन F2Cl2 Br2 I2, यानी कि F2 जो होता है सर अंधेरे में ही क्रिया कर लेता है, अरे बहुत विस्फोटक रिएक्शन होती है, एक्सप्लोसिव, इतना कि अपने कंट्रोल नहीं कर पाते उस रिएक्शन को, इसलिए इसमें इनर्ट गैस का जो मिलाते हैं, जो फ्री रेडिकल होता है बड़ा खतरनाक होता है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ता है जी जी जी। फिर नेक्स्ट Cl2, फिर Cl2 की ये अंधेरे में रिएक्शन, ठीक है ये अंधेरे में नहीं करता सर, ये उजाला चाहिए इसको, हाँ अंधेरे में करने के लिए क्या चाहिए, परोक्साइड की प्रेजेंस चाहिए या रिक्वायर लाइट एनर्जी जी, Br2 यानी कि कहने का मतलब ये हो गया सर, ये अंधेरे में ही काम कर लेता है अपना, ये उजाले में, और इसको हीट करना पड़ता है, और इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सिबल के साथ देखा है कि करना शुरू करता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है, रिवर्सिबल रिएक्शन जी, तो इसमें हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए HDO HIO3 इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात इसमें पकड़ में आ गई, ये हो गया और सबके बारे में जानकारी भी मिल गई जी, और कोई इसका तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, इसके गलत है ये तो गलत कर दिया सर, यानी कि इंटर में फ्री रेडिकल बना 1 2 3 है तो गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर अपना हो गया फर्स्ट जी। नेक्स्ट चलें, डाइल्यूट H2SO4 कौन से, बिल्कुल सही, जिसमें देखो आप बेटा सिमेट्रिकल, क्यों सर सिमेट्रिकल, जिसमें ये सेम नहीं होगा, इसमें सेम हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्री है, मतलब अपना COD COD बात समझ गए, डाइल्यूट H2SO4 Hg plus 2 ये मार्कोनी का, ये एंटी मार्कोनी का, ऐसा हमें रिएक्टेंट चाहिए जिसमें सिमेट्री हो, सिमेट्री का मतलब सर जिधर से भी नेम करें नेम सेम आए, सेम आ जाए। नेक्स्ट चलें जी, HBr परोक्साइड, वही वाली बात जो अपने कह रहे हैं, Br लगाने के बाद फ्री रेडिकल, मतलब यहाँ ये Br लगाएं, Br यहाँ लगाना चाहिए था और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनना चाहिए था, मतलब धोखा वहाँ हो जाएगा, जो बच्चे याद कर लेते हैं कि डबल बॉन्ड के क्रॉस Br वहाँ लगाओ जहाँ हाइड्रोजन अधिक है जी, तो यहाँ वो कहानी गड़बड़ हो गई, ये धोखा ही हो गया सर, धोखा हो गया, तो ये Br फ्री रेडिकल, Br लगाने के बाद देखना है फ्री रेडिकल, तो ये अब यहाँ पे H जोड़ दिया, मतलब ये इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये होना चाहिए जी, फिर HBr परोक्साइड, फिर वही कहानी, ये सही है सर, हाँ ये सही है, ये सही वही कहानी है, तो ये सही होगी जो यहाँ आपने बनाया था, ये यही एग्जांपल लिया था हमने, हाँ जी सर, तो यहाँ फ्री रेडिकल लगाया जी और यहाँ Br अटैच, गलत हो गया सर, यहाँ Br आना चाहिए था, तो इसका मतलब गलत, इसमें रीअरेंजमेंट कर दिया, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हो गया सर, तो इसका मतलब अपना आंसर सेकंड है, मतलब और पी आपका हो जाएगा कोई ऐसा ले जी, तो ये इधर ये इधर और ये प्लस माइनस हेक्सीन बन जाएगी, ठीक है, अब इसकी ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्ड तोड़ के बोला लगा देंगे, तो ये तो आपने पूछा क्या है, के पूछा है क्या, हाँ के पूछा है, तो के अपने साइक्लोहेक्सीन, ठीक है ना, यहाँ पे अपने लिया ये, तो के बन जाएगा ये जी, आगे ओजोनोलाइसिस किया डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ ओ लग गया। नेक्स्ट नाइट्रेटिंग मिक्सर, बिल्कुल सही है सर जी, कंसंट्रेटेड H2O प्लस H2SO4 और कंसंट्रेटेड, ये सही हो गया, इन नाइट्रेशन बेंजीन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन अटैक जी जी जी, बहुत सही बात बोल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यही होता है, हाइब्रिडाइजेशन CCl3 SP2 होगा सर, SP2 यानी कि ये वाली बात हो जाएगी, C माइनस है ना, वो Cl में जंप कर जाएगा, यानी कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है D और ये क्या कर लेगा, B भी मिल जाएगी सर इसको, हां यानी कि बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, SP1 P2 SP2, आंसर अपना ये सही है जी, ये सही है, ये सही है, नहीं सर ये सही नहीं है, ये गलत हो गया, ये तो SP2 होना चाहिए, तो कौन सा हो गया सर, ए और बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलें जी, इसके बारे में बताएं सर, अभी बात हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ट्रिपलेट नाइट्रीन इज लेस स्टेबल देन सिंगलेट नाइट्रीन, ये तो गलत बात हो गई, यानी कि जनरली अगर अपन बात करें तो ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट,
यानी कि ट्रिपलेट में तो सर एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और सिंगलेट की बात करें तो पेयर कर देंगे, इसका मतलब गलत हो गए। सिंगलेट नाइट्रीन, यार नाइट्रीन है, सिंगलेट नाइट्रीन sp2। सिंगलेट की बात करें तो sp2 ही होगी सर। बिल्कुल सही है, सही वाली बात हो रही है। s2 नहीं, s2 तो न्यूक्लियोफाइल है जी, क्योंकि लोन पेयर है ना। गलत हो गया, ये नहीं, ये गलत हो गया। और बेंजाइन बहुत शानदार चीज है, एरोमेटिक होता है जी, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आता है बेंजीन के साथ। अगर इसमें ये पूछ ले sp2, ये ट्रिपल बॉन्ड इसमें जी डीलोकलाइज होता है। बात ये है कि अगर ये पूछा जाए कि बेंजाइन में कितने sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो 6 हैं, 6 के सारे के सारे sp2 हैं, सारे sp2 हैं, यानी कि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सर। और ये क्या है, एरोमेटिक है बेंजाइन, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर आपका सेकंड जी। नेक्स्ट बात चलें, पहले इसका आंसर क्लियर कर रख लो, सेकंड सेकंड। नेक्स्ट वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछ लिया जी, स्टेरिक हिंडेंस आ गया जी, ये उल्टा स्टेरिक हिंडेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करता है। एफ गलत हो गया सर, EN के अकॉर्डिंग देख लेंगे इनको, तो जिसकी EN ज्यादा होगी इसका मतलब डोनेटिंग नेचर कम हो जाएगी, मतलब CH3- NH2- OH- F-, ये भी उल्टा होना चाहिए और ये कहानी भी गड़बड़ हो गई जी। मतलब ये अपना ऑर्डर सही है, CH3- NH2- OH- F-, फोर्थ वाला सही है, फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट चलें जी, तो 73 का आंसर 4, ठीक है 74 पे 4 सर। CH2 जो आपने टिल्डन रीजेंट का सवाल जो आप बता रहे थे पहले, यानी कि NOCl इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस, तो यानी कि ये पॉजिटिव वाला अटैक करेगा पहले, तो यहाँ पे जो सर बनेगा ये पूछ सकते हैं कौन पहले अटैक H2 और यहाँ N और ये वाला बनेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब Cl नेगेटिव इसके ऊपर Nd से अटैक करेगा, तो जो अपना आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, CH3CH और CH2, इस साइड में NO रहेगा और इस साइड में Cl रहेगा, मतलब मार्कोनी का जी। और इसमें आपने कहा था ये टिल्डन रिएजेंट है, टिल्डन रिएजेंट है, ठीक है जी। तो आप नोट कर लो, टिल्डन रिएजेंट NOCl, डिसोसिएशन कैसे हो रहा है, NO + Cl minus, और ये आपको मैकेनिज्म सर ने लिख दी जी, मार्कोनी का ऑफ एडिशन होता है। इसके बाद हो ही गया, इसमें पहले कौन अटैक करेगा, Br + ये भी मार्कोनी का ऑफ है, इसमें भी रिअरेंजमेंट नहीं, इसमें भी रिअरेंजमेंट। नेक्स्ट डिटोल, बहुत बढ़िया सवाल है सर, वैसे तो ये एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री का है, क्लोरोक्साइलन और टर्पिनोल का ये मिक्सअप होता है, और ये एंटीसेप्टिक है जी, एंटीसेप्टिक होता है, और भी कई एंटीसेप्टिक हैं, ये आप लोग पढ़ लेना डेली, वो आयोडीन बायोनर, हां ये सब चीजें आपको करनी है, इसमें तो याद ही रखना आपको जी। नेक्स्ट चलें बस सर, तो बात अपनों ने इतनी बातें कर ली इस पे जी, अब इस पे अपनों ने कुछ कहा था कि 80 क्वेश्चन तक की बात करी थी जी, जी। तो सर कुछ इसमें दो चार चीजें हम लोग और बता देते हैं, बच्चों का 80 पूरा हो जाता है जी। जैसे 76 वाला मामला है, मान लीजिए अपने एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा कि हाइड्रोबोरेशन भी हो गया, एक दो क्वेश्चन कौन से नहीं आए, Br2CCl4 भी आ गया जी, जी। हाइड्रोबोरेशन डाइल्यूट H2SO4, NBS नहीं आया, NBS NBS के बारे में थोड़ी सी जानकारी बच्चों को कर लेते हैं सर। हां NBS क्या करेगा सर, यानी कि अल्फा पे डबल बॉन्ड के अल्फा पे Br का एडिशन, यानी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन है सर, ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, Br CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाया, Br, या बेंजीन होता तो H लगाना चाहिए, Br मतलब फ्री रेडिकल अपने को बना। एक सर जी में सवाल भी आया था ऐसा, साफ करिएगा सर इसको, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये सवाल ऐसा था कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बहुत बेहतरीन। यहाँ पे NBS से पूछा गया था कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, NBS N ब्रोमोसक्सेनामाइड, शानदार क्वेश्चन। तो यहाँ पे सर जो प्रोडक्ट बनेगा अपने जनरली यहाँ पे जोड़ देते हैं, यानी कि ये अल्फा है तो यहाँ पे, लेकिन ये गलत था क्योंकि फ्री रेडिकल बनेगा, फिर क्या हो जाएगा, कंजुगेशन क्रॉस रेजोनेंस से सिंपल है जी जी, यानी कि जो अपना प्रोडक्ट मिला था वो ये मिला था CH2 डबल बॉन्ड CH, फ्री रेडिकल सर ने बनाया जी, उसके बाद से आगे यहां पे डबल बॉन्ड CH और CH2 फ्री रेडिकल, अब ये Br जोड़ दो, यहां पे Br आ गया था सर, तो इसका मतलब ये स्टेबल प्रोडक्ट है ड्यू टू कंजुगेशन, बिल्कुल जी। मतलब अपने 77 क्वेश्चन हो गए जी, 78 की बात कर लेते हैं जी, ठीक है 78 की सिंपल एल्काइन की रिएक्शन जी, AS ल्यूसाइड गैस वाली जी जी, ठीक है ना, SC ट्रिपल बॉन्ड CH और इस पे एक वो ASCl3 जी, तो सीधे CHCl3 जी,
ठीक है ना, सी एच सी एल या डबल बॉन्ड सी एच ए एच सी एल टू, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज हुआ था, और मस्टर्ड गैस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं सर। 79, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है सर कि कोई एल्काइन का आइसोमेरिजेशन करवाना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जी। यहाँ पे आपने क्या दे दिया जाता है कि एल्कोलिक KOH दे दिया जाए, एल्कोलिक KOH दे दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू ब्यूटाइन में। बिल्कुल, यानी कि बहुत बढ़िया सवाल है सर, ये कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है, यानी कि ये CH3 अगर ये उल्टा करवा दे सर, यानी कि NaNH2 डाल दें, यानी कि अपने NaNH2 डाल दें, इसमें डाल दें तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा उल्टा, यानी कि मतलब NaNH2 अपने यहां लिख देते हैं जी, उल्टी कर दी थी मैंने वैसे, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन इसका शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ये अपने उसमें जो 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश जी 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 जी, ये 80 हो गया जी, इस बार CH AgNO3 जी प्लस NH4 OH, ये तो सर वो वाला हो गया, यानी कि टोलेन, हां टोलेन हो गया, ये वाइट पीपीटी देगी, टर्मिनल एल्काइन शो करती है सर, टर्मिनल एल्काइन। सर कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि क्या टर्मिनल एल्काइन टोलेन डीजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाता है, ना नहीं बनाता, ये वाइट पीपीटी देता है, ये वाइट पीपीटी देगा, अगर यहां पे हम वो CO2Cl2NH4OH रेड कलर देते, रेड पीपीटी जी। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बार हाइड्रोकार्बन पूरा कवर करने की आपके डिमांड के हिसाब से हमने पूरा काम किया, तो वो यहां भी लिख देना CO2Cl2NH4OH, यहां लिख देना रेड पीपीटी, हां टू ब्यूटाइन ये रिएक्शन नहीं दे, हां लिख लीजिए सर बच्चों को NH4OH Cu लगा दीजिए, हां इसी में को डाल दें तो यहां क्या आ जाएगा, Cu आ जाएगा, रेड पीपीटी बन जाएगी। तो अपने इस पे पूरी हाइड्रोकार्बन इस बार कवर हुई, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आगे अपने हैलोजन डेरिवेटिव की बात करेंगे, फिर अभी बेटा आराम से हमने पूरी चीजें अपनों ने इस क्वेश्चन के हिसाब से भी लिख ली, तो आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से देखना, आपको इससे काफी फायदा मिलेगा जी। नेक्स्ट बात आगे मिलते हैं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय सी एल सी।